नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक पहाड़ी बॉन्सा। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त चैन। दोस्तों आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहां पे बहुत ही अच्छा हूं। और वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है तो आप समझ सकते हैं कुछ प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो और मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ और मिलके बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके बातें करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आप और मैं एक दूसरे से जुड़े रहें। अच्छा लगता है यार, अच्छा महसूस होता है अगर आप लोगों के साथ मैं अपनी वीडियो शेयर करूं और आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो फीलिंग कुछ अलग लेवल की होती है। तो दोस्तों आजकल आईपीएल का सीज़न है तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट हो रहा होगा इंडिया में, तो हम भी यहाँ पे वही सब देख रहे हैं मैच, क्योंकि क्रिकेट के बहुत बड़े कीड़े हैं हमारे पास। और तो दोस्तों मौसम है आज का बहुत ही सुहाना, तो आपको भी दिखाता हूँ और देखते हैं आज का मौसम कैसा है। ये देखिए दोस्तों बहुत प्यारा मौसम है, थोड़ा बहुत बादल लगे हुए हैं और धूप अच्छी खिली हुई है, बहुत ही प्यारी धूप। ऐसे मौसम में मन करता है कहीं पे चिल करो, मतलब समुद्र के किनारे कहीं पे अच्छे से एंजॉय करो। जहाँ भी जो भी मेरी वीडियो को देखता है उसको तहे दिल से धन्यवाद वीडियो में प्यार देने के लिए। और ये ब्लॉग आज घर ही पे ही बना रहा हूँ, आज डे ऑफ है तो कहीं गया नहीं और इसलिए घर ही में हूँ। और मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, तो हम क्या कर रहे थे कि गार्डनिंग कर रहे थे, तो हमने कुछ बोया हुआ था, कुछ लगाया था। तो आज मैं तुमको बताता हूँ वो सब कैसे हुआ है और क्या सीन है उसका, चलो देखते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो उसमें हमने यहाँ पे थोड़ा गार्डनिंग की थी। तो आज देखो ये देसी जुगाड़ के साथ, देखो ये तो पुदीना है, कितना अच्छा ग्रो कर गया है ना, बहुत प्यारा हो गया। ये भी देखो, ये भी पुदीना है। और उसके बाद ये देखो, ये भी पुदीना है, कितना प्यारा हो रखा है, अभी मतलब खाने लायक हो गया, अच्छा सा मतलब उग चुका है। और ये देखो एक मसाले टाइप का, ये भी बहुत अच्छा हो गया है। अरे यहाँ पे तो यार क्या ही बोले, ये देख लाल लाल चिल्ली, लाल लाल मिर्ची उग गई है, वो हरी से लाल भी हो गई तब से, लेकिन इसके बीच में कोई वीडियो नहीं आई तो इसकी वजह से मैंने मतलब वीडियो डाली नहीं। तो ये देखिए कितना प्यारी मिर्ची है ना। तो कम से कम मैं तो यही बोलूँगा कि अपने घर में भी गार्डनिंग करो थोड़ा सा, मतलब जो भी खाने की चीज़ हो या फूल वगैरह सब, मतलब अपने छतों पे लगा सकते हो, कितना प्यारा लगता है ना। तो जब मतलब वो उग जाता है तो और भी अच्छा महसूस होता है, लगता है कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर रहा हूँ। तो ये देखिए, और ये है बेसिल लीफ, तुलसी पत्ता, ये मतलब खाने वाला ऐसा है। और ये देखिए यहाँ पर भी ये मिर्ची कितनी प्यारी हो चुकी है ना। और ये भी देखो, ये दूसरी किस्म की मिर्ची है, कुछ अलग गोल टाइप की, ये देखिए
ये देखिए, ये देख रहे होंगे इसमें मिर्ची बोया है मैंने, ये देखो। और यहाँ पे ये इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, ये जो है अदरक है, और इसको ना ये जो घास है ये सब हटाना पड़ेगा एक दिन। तो ये जब अच्छे से हट जाएगा तब फिर से अच्छे से ग्रो होएगा वो नीचे भी, मतलब अच्छा अदरक, वो थोड़ा मिट्टी को उखाड़ना पड़ेगा जो कि थोड़ा दलदली हो जाए मिट्टी। ये देखो ये तुलसी पत्ता है, और ये देखिए ये तो आपने शायद देखा होगा कितना प्यारा है, ये एक मसाला है। और ये एलोवेरा, और ये यहाँ पे है एक नीम का पत्ता है, नीम है, और ये है ये कड़ी पत्ते हैं, कितने प्यारे हैं देख। ये देखिए ये है लेमन ग्रास, बहुत अच्छा हो चुका है, इसको हम लेते भी हैं कभी चाय में डालने के लिए, बहुत अच्छा होता है इसका, मतलब चाय भी ना, चाय में कूट के डाल दो अदरक के साथ, आहा क्या मज़ा आता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दें। तो मिलेंगे अगली और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड, बी गुड एंड लिव गुड दोस्तों, जय हिंद।